हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं रीना नांदल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 6 लेयर फ्री लहंगा। और ये लहंगा मैंने नेट और साटिन के फैब्रिक से लगाया है। जो मैंने इसकी लाइनिंग नीचे लगाई है वो है साटिन और नेट से मैंने इसकी फ्रिल बनाई है, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं बताती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने साटिन का फैब्रिक लिया है और ये नेट ली है मैंने। साटिन मैंने 3 मीटर लिया है और नेट मैंने उसका डबल 6 मीटर लिया है। वैसे तो ये पूरा नहीं लगेगा, हमारा बच जाएगा, लेकिन 6 मीटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हम फ्रिल काटेंगे वो पट्टियाँ हमारी लंबी लंबी कट जाएं और जल्दी हमारा रेडी हो जाए, क्योंकि फैब्रिक कम होगा तो पट्टी छोटी छोटी कटेंगी और उसमें जॉइंट ज़्यादा लगेंगे, इसलिए मैंने ये 6 मीटर ले लिया है। इसमें से हमारा कुछ बचेगा कपड़ा। अगर आपको 6 मीटर नहीं लेना तो ये 4 मीटर में भी बन जाएगा। इसके लिए चाहिए तो 4 ही मीटर था, बट मैंने ये बड़ी पट्टियों के लिए ज़्यादा ले लिया। अब हम इसको, जो मैंने साटिन का फैब्रिक लिया है, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये डबल फोल्ड मैंने किया है इसको, और अब मैं इसको यहाँ से किनारे से पकड़कर इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी, जैसे हम समोसा कटिंग करते हैं वैसे। इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है और अब मैं सबसे पहले जो हमारा हिप का निशान है, जहाँ पर बेल्ट हमारी आएगी, वहाँ का निशान लगाती हूँ। तो वो है हमारा 40। 40 का हमें 1/4 लेना है, तो ऊपर से जहाँ पर भी 10 आए, 40 का 1/4 10 होता है, तो जहाँ पर भी 40 का 1/4 10 आएगा वहाँ पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लिया है और मैं इसको ऐसे सीधा सीधा इस निशान को मिला लूँगी। इसको पहले ऊपर से चेक कर लें कि ये दोनों साइड से सेम निशान है कि छोटा बड़ा ना हो जाए। तो ये 13.5 पर इधर से है, तो इधर भी आप 13.5 पर ही लगाएं ताकि ये सही गोलाई में रहे। तो इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे गोलाई इसकी छोटी सी। तो ये अब हमारा लग गया है। अब ये जो हमारा निशान बना है उसी से हम इसका लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने ले लिया, इसकी लेंथ हमारी है 39 इंच तैयार। तो इसको भी हम 39 इंच लेंगे और 1 इंच मैं नीचे से जो हमारी गोलाई बन के मुड़ेगी वो मैं लूँगी। तो ये 40 इंच एग्जैक्ट है, तो 40 ही मैंने ले लिया है और ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अभी ये देख रहे होंगे आप, ये 2 पार्ट इसके छोटे हैं, तो जो हमारा इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ट्रायंगल शेप की जो कटिंग होती है उसमें मैक्सिमम टाइम छोटा सा जॉइंट आ जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये लाइनिंग है सिर्फ और वो नीचे दिखाई भी नहीं देगा। अब मैं इस पे गोलाई का निशान ऐसे लगाऊंगी। इंची टेप को हम ऐसे ले लेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग करके जहाँ हमारी 40 इंच था वहाँ हमने लगा दिया, और इंची टेप को ऐसे ही घुमाते चले जाएंगे एक जगह रख के, तो हमारा गोलाई में निशान आता चला जाएगा। अब हम इंची टेप को थोड़ा सा यहाँ से लाइन से आगे लेंगे और वहाँ से भी 40 इंच पर फिर से निशान लग जाएगा हमारा एक। इसको बीच में रख के ऐसे ही आगे आगे हम घुमाते चले जाएंगे, तो 40-40 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे और ये गोलाई हमारी बनती चली जाएगी। निशान इसमें छोटे बड़े नहीं होंगे। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइप में निशान हमारे लग चुके हैं। और अब हम दूसरे कॉर्नर से भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा था उसी को एज इट इज़ हम ये जो हमारा जॉइंट लगना है उसके ऊपर रख देंगे
और ये मैक्सिमम उतना ही बचता है जितना हमारा जॉइंट लगना होता है जब हम ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये फैब्रिक उतना ही एक्स्ट्रा बचता है। थोड़ा सा इसमें बस निशान हमें लगाना पड़ेगा शेप के लिए, और इसको हम ऐसे इसके ऊपर रख लेंगे जितना हमारा सिलाई में लगना है, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा, और फिर हम यहाँ पे निशान लगा के इसको काट लेंगे। मैंने रख लिया है, और अब यहाँ से मैं जहाँ जहाँ से ये हमारा गोलाई है वहाँ से मैं इस पर निशान लगा के गोलाई कर दूँगी। ये अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और यहाँ पे हम सिलाई से इसका जॉइंट लगा देंगे। अब ये फैब्रिक को मैंने 6 लेयर में बिछा लिया है, 6 बार इसको फोल्ड कर लिया, मैंने 6 मीटर था तो इसको 6 बार मैंने फोल्ड कर लिया है। और अब मैं इस पर ये ऑल पिन लगा दूँगी ताकि ये हिले ना और हमारी पट्टियाँ एक ही बार में कट जाएं। जहाँ पर मैंने ये अच्छे से बिछा के सेट किया है वहीं पर मैं इसमें बीच बीच में ऐसे ऑल पिन्स लगा दूँगी ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी सीधी आए। इसलिए सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो पट्टियाँ आड़ी टेढ़ी हमारी कटेंगी। इस टाइप से हम पूरे फैब्रिक में बीच बीच में से ऑल पिन लगा के इसको सेट कर लेंगे। ये इस टाइप से मैंने पूरे फैब्रिक में ऑल पिन लगा लूँगी। ये 3 लाइन मैंने अभी लगा ली है, और इनके बीच बीच में से मैं काटती चली जाऊँगी, और फिर ऐसे ही आगे भी मैं ऑल पिन लगा लूँगी। तो ये हमारी जो लेयर कटेंगी वो बिल्कुल सीधी सीधी आएंगी, और अब हमें जितनी लंबाई में लेयर चाहिए हैं उतना मैं निशान लगा के इसको काट लूँगी। मुझे लेयर 6 इंच की चाहिए हैं तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये यहाँ 6.5 इंच हमारा आया है, ये जो मैंने लगाया है उससे आधा इंच ऊपर, तो अब मैं इसको निशान लगा के ऐसे ही सीधा सीधा पूरा कट कर लूँगी। ये ऐसे हमारी पट्टी बनती चल जाएगी। ये जो मैंने निशान हमारा पूरा लग गया है, अब मैं इसको कट कर लूंगी। ये सीधी सीधी मेरी 6 मीटर की एक लेयर कट गई है, और इसी को मैं इसके ऊपर रख के ऐसे अगली लेयर भी काट लूँगी। ऐसे मैंने सीधा सीधा इसको रख लिया है। अब अगली लेयर में मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी को लेके सीधा सीधा इसके साथ साथ से मैं ऐसे काट लूँगी। ऐसे ही पूरा फैब्रिक हमारा कट जाएगा। ये देखिए 2 लेयर हमारी पूरी कट के रेडी हैं, और ऐसे ही हम पूरे फैब्रिक को कट कर लेंगे, और यहाँ आगे भी ऐसे ही मैं ऑल पिन से निशान लगा के कट करते चली जाऊँ। ये मैं इनर वाले कपड़े में जॉइंट लगा रही हूँ, और ये जो बाद में हमने कपड़ा कट किया था वो है, और ये जो पहले से हमने लहंगा कट करके रखा था वो है, और अब मैं इसको इस पर रख के सिलाई लगा दूँगी। अब मैं ये नीचे वाला जो है उसको मोड़ रही हूँ, जो किनारी है नीचे की, और इसको हम बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे, खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फैब्रिक ऑलरेडी नीचे से गोलाई में है तो इसमें झोल आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर हम इसको हल्के हाथ से छोड़ के ही सिलाई करेंगे तो इसमें कोई झोल कोई चुन्नट नहीं आएंगी, और ये बिल्कुल अच्छे से हमारा नीचे से किनारी मुड़ जाएगी। नीचे का ये मोड़ने के बाद अब मैं ये जो फ्रिल मैंने काटी थी वो मैं
अब इसमें लगाऊंगी। और मैंने पहले से ही इसमें चुन्नट डाल ली है, जैसा मैंने दिखाया, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, चुन्नट मैंने पहले से इसमें डाल ली है छोटी छोटी करके। और अब मैं ऐसे ही सारी फ्रिल इसकी लगा दूंगी। ये फर्स्ट फ्रिल जो बेल्ट पे लगानी है वो मैं इसमें लगा रही हूँ। और ऐसे ही हम सारी फ्रिल को पहले छोटी छोटी चुन्नट डाल के रेडी कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको सीधी सीधी एक सिलाई से जॉइंट कर देंगे। और ये मैं लगभग 6 फ्रिल इसमें डालने वाली हूँ, तो आप चाहें और ज़्यादा कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। 3 लेयर्स के भी बहुत सुंदर लगते हैं, तो वो आप पर डिपेंड है कि आपको किस टाइप का बनाना है। तो मैं इसमें 6 फ्लेयर्स डालने वाली हूँ, और मैं सेम इसकी चुन्नी भी बनाने वाली हूँ, फ्रिल वाली चुन्नी भी मैं इसकी बनाने वाली हूँ। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और वो ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ चुन्नी वाली। तो आप अगर इसकी चुन्नी भी देखना चाहें तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, चुन्नी की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि फ्लेयर वाली चुन्नी हम कैसे बना सकते हैं। तो ये एक पूरा मैंने फ्लेयर का लहंगा और चुन्नी बनाया है, और इसकी चोली का मैं वीडियो नहीं डाल रही क्योंकि वो सिंपल चोली है। मीन्स उसका जो फैब्रिक है वही मैंने सीक्वेंस का सुंदर सा ले लिया था, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं डाली है। तो अब ऐसे ही मैं इसकी सारी फ्लेयर्स लगा लूँगी इसमें। अब मैं इसकी सेकंड फ्रिल लगाने वाली हूँ, और फ्रिल लगाने से पहले चौक से मैं ऐसे नाप के निशान लगा लूँगी। जो पहली फ्रिल है उससे हम आधा इंच ऊपर रखेंगे इसको, मीन्स जो हम फ्रिल लगाएंगे वो ऐसी लगनी चाहिए जो पहली वाली फ्रिल है उसके नीचे इसकी सिलाई दब जाए, ताकि सिलाई बाहर ना दिखे, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। सिलाई उसके नीचे आ जाएगी तो वो बहुत सुंदर फिनिशिंग से दिखेगा। आप चाहें तो पहले ही इसको बिछा के अच्छे से इंच टेप से निशान लगा सकते हैं, बट मैंने फ्रिल को ही नाप के साथ साथ चौक से निशान लगा लिए थे कि पहले वाली जो फ्रिल है मेरी उसके जस्ट नीचे मैं निशान लगा रही थी, और थोड़ा सा इतना ध्यान रख रही थी कि सिलाई जो मेरी आई नेक्स्ट फ्रिल की वो उसके पहले वाली फ्रिल के नीचे दब जाए। बस हमें यही ख़ास बात इसमें ध्यान रखनी है कि सिलाई बाहर नहीं दिखनी चाहिए, तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी हमारी। तो गाइज, सारी फ्रिल लगने के बाद इसका फाइनल लुक ये आया। 6 की 6 फ्रिल अब इसमें लग चुकी हैं, और इसका चुन्नी भी मैंने जो बताई थी फ्रिल से बनाऊंगी, वो मैं बना के इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।